Before watching this video, please subscribe to my channel. So today's topic is prepositions. Preposition दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री पोजिशन, जो हमें पोजिशन, किसी चीज़ की पोजिशन, किसी चीज़ की पोजिशन को बताने के लिए उससे पहले जो हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं प्री पोजिशन। जो वर्ड्स किसी चीज़ की पोजीशन को डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं प्री पोजीशन या प्रेपोजिशन। तो फर्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन इन। हम अपने सेंटेंसेस में इन का यूज़ करते हैं। तो इन का यूज़ कब करते हैं? जब कोई चीज़ किसी बाउंड्री के इन बीच में होती है। अगर कोई रूम है, उसकी चार बाउंड्रीज है, चार वॉल्स हैं उसकी, उसके अंदर अगर कोई चीज़ है या कोई पर्सन बैठा है तो उसे हम बोलते हैं इन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? ही इज़ इन द ऑफिस, और वहीं पे इनसाइड है। इनसाइड क्या बताता है? उस बंदे की पोजीशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऑफिस के अंदर तो है, लेकिन वो रूम, ऑफिस के अंदर जो रूम्स होते हैं अगर वो उसके अंदर बैठा है तो ही इज़ इनसाइड द रूम। तो स्पेसिफिकली किसी की पर्सन की उस पोजीशन को बताने के लिए हम इनसाइड का यूज़ करते हैं, और अगर वो चार बाउंड्रीज के अंदर बैठा है तो इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड है आउटसाइड। उसी चार बाउंड्रीज के अगर बाहर कोई बंदा है तो मेरे लिए वो आउटसाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ, ये मेरा रूम है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये एक रूम है, और इसके साथ ये पूरा ऑफिस है, मैं इस रूम में बैठी हूँ तो मेरे लिए ही इज़ आउटसाइड द रूम, ही इज़ आउटसाइड। किसी और बंदे के लिए, किसी और पर्सन के लिए वो इनसाइड हो सकता है, ही इज़ इनसाइड द ऑफिस, लेकिन अगर मैं इस रूम में बैठी हूँ और वो इस रूम से बाहर है कोई पर्सन या कोई चीज़, तो मेरे लिए वो ही इज़ आउटसाइड द रूम। उसके बाद है इनटू। इनटू कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कॉइन है, ये कॉइन ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया, तो ये कोई चीज़ अगर प्रोसेस में जा रही है, ये कॉइन जो है ग्लास के अंदर डाल रही हूँ मैं, डल रही है, तो वो कोई प्रोसेस में कोई चीज़ हो रही है तो कॉइन इज़ इनटू द ग्लास। प्रोसेस वाली चीज़ को बोलते हैं ग्लास, इनटू में। ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है कि वो मैंने यहाँ से उसको फेंका और वो इसके अंदर जा रहा है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद फोर्थ है ऑन। अगर कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में है और उसके ऊपर रखी हुई है तो ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। अगर मैं इस चेयर के अंदर बैठी तो हूँ तो इसमें ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वहीं पे इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। इस चेयर की मैंने इसलिए इसको ड्रॉ किया क्योंकि इसकी आर्म रेस्ट नहीं है। वहीं पे अगर इसमें आर्म रेस्ट आ जाए और उस चेयर के अंदर कोई बंदा बैठा हो तो ही इज सिटिंग इन द चेयर। तो अगर आर्म रेस्ट वाली चेयर है तो ही इज सिटिंग इन द चेयर आएगा, अगर बिना आर्म रेस्ट वाली चेयर है तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। उसके बाद एक इन और ऑन को लेके भी एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ इन द बेड, मतलब वो सो रहा है, ही इज़ इन द बेड बोलेंगे। ही इज़ ऑन द बेड कब बोलेंगे? जब वो सिर्फ लेटा हुआ है, अगर उसने अपने आप को कवर कर रखा है तो ही इज़ इन द बेड, क्योंकि वो उसने अपने आप को कवर कर लिया तो ही इज़ इन द बेड। अगर वो सिर्फ लेटा हुआ है बिना किसी अपने आप को कवर करे हुए है या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह लिए हुए, तो उसे हम बोलेंगे ही इज़ ऑन द बेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपॉन। अपॉन कब हम यूज़ करते हैं? वही प्रोसेस वाली बात है कि कोई चीज़ अगर यहाँ पे है और उसने उसको एक प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद वो किसी चीज़ पे जंप करती है या उस चीज़ उस पोजीशन पे पहुँच जाती है, तो उसे हम अपॉन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अभी तो वो कैट यहाँ पे थी लेकिन उसने प्रोसेस किया, जब वो उसने जंप किया, ये जंप इज़ अ प्रोसेस, इसलिए अपॉन आएगा। मैंने ये कुछ डायग्राम्स छोटे छोटे ड्रॉ करे हैं ताकि इससे हमें क्लैरिफिकेशन रहे कि क्या यूज़, कब क्या उसमें डिफरेंस है। उसके बाद सेवन्थ है ऑन टू। ऑन टू क्या है? अभी एक कैट है, उसने यहाँ से यहाँ जंप किया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और ऊपर पहुँच गई। वहीं अगर कोई वही कैट ऊपर से दोबारा नीचे आ जाए तो हम उसे बोलेंगे ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स बैक। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो पर्सनस हैं, हॉर्स की जो बैक है वो भी एक हाइट के ऊपर है और कोई पर्सन है वो एक हाइट के ऊपर खड़ा है, और वो
छत से उस हॉर्स की बैक पे ही बैठ जाता है जंप करके, तो एक हाइट से एक दूसरी नीचे वाली हाइट पे पहुंच रहा है। इसका मतलब है ऑन टू। ऑन टू का मतलब ये है कि एक हाइट पे यहाँ चीज़ है, एक हाइट पे यहाँ चीज़ है, और मैं इसके ऊपर जंप कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि ऑन टू आएगा। उसके बाद है ओवर। ओवर का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई चीज़ है, उन दोनों के बीच में एक गैप है, और वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो वो चीज़ क्या होएगी? ओवर। फॉर एग्जांपल द फैन इज़ ओवर द बॉय सिटिंग इन द रूम। जो फ़ैन है वो मोशन में तो नहीं है, मूव तो नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, वो वहीं पे ही लटका रहेगा, इसलिए वहाँ पे आएगा ओवर। और दूसरा इसका एग्जांपल होता है ब्रिज। ये बीच में से सड़क जा रही है और एक ब्रिज दूसरी सड़क से एक दूसरी सड़क को कनेक्ट कर रहा है, तो उनके बीच में क्या है, एक मेजरेबल डिस्टेंस है और फिक्स्ड पोजीशन है, इसलिए हम कहेंगे द एथलीट जंप्ड ओवर द बार। अगर एक बार है तो एथलीट जंप्ड ओवर द बार, इसीलिए फ्लाई ओवर होता है, क्योंकि एक सड़क जारी होती है, उसके ऊपर से कोई रास्ता बनाया है, उनके बीच में एक स्पेसिफिक मेजरेबल गैप है, और ऑब्जेक्ट दोनों ही कैसे हैं, फिक्स्ड है। तो ये कुछ प्रपोजिशंस हमने करी आज, इनके बीच का डिफरेंस किया है। नेक्स्ट प्रपोजिशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिस्कस करेंगे।